हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मासूम सॉल्यूशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 अल्टरनेटिव इंग्लिश सीजन्स बुक की पोएम द लाइट ऑफ अदर डेज के बारे में। इसके अलावा भी इसी सीजन्स बुक के कुछ लेसन्स पर वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उन्हें भी जाकर जरूर देख लें। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज कुछ इंटरेस्टिंग सीखते हैं। फ्रेंड्स, पहले मैं इस पोएम का एक्चुअल मीनिंग जो है उसे शॉर्ट में समझा देता हूँ, ताकि उसके बाद क्या होगा इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जब हम समझेंगे तो जिससे कि पोएम को समझना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। हमारी पोएम द लाइट ऑफ अदर डेज के पोएट का नाम है थॉमस मोर। दोस्तों, इस पोएम में बेसिकली हमारे पोएट काफी नॉस्टैल्जिक फील करते हैं। नॉस्टैल्जिक फील करने का मतलब है अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, अपने जवानी के खुशी के दिनों को याद करते हैं, जब उनका दिल उत्साह से भरा रहता था, आंखों में एक अलग सी चमक देखी जा सकती थी, जब उनके करीबी, उनके फ्रेंड्स, उनके फैमिली उनके साथ थे। पोएट उनके साथ बिताए हुए हर एक उन खुशी के पलों को, उन प्यारे प्यारे पलों को याद करते हैं, उनकी प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल मेमोरीज जो थी उनको याद करते हैं। हम भी जैसे कभी अपने पुराने एल्बम्स में अपने बचपन की या पहले के फ़ोटो को देखते हैं तो एक ही पल में कितनी सारी यादें आँखों के सामने आ जाती है। वो प्यारे प्यारे खुशी के पल याद आने लग जाते हैं, एक ही झटके में वो सब यादें ताज़ा हो जाती है। उसी तरह पोएट भी अपने उन्हीं पुराने दिनों को याद करते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, बट वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं जब वो ये रियलाइज़ करते हैं कि अब उनके क्लोज़ फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स या कोई भी करीबी नहीं है इस दुनिया में। मतलब वो बिल्कुल अकेले रह गए हैं। अपने फ्रेंड्स और करीबियों के प्यारे वर्ड्स और उनके साथ बिताए प्यारे पल अब बस मेमोरीज बनकर ही रह गए हैं, क्योंकि वो सब पास्ट में था और अब सब मर चुके हैं। ये सब सोचकर पोएट काफ़ी सैड फील कर रहे थे। उनके सभी करीबी उनसे बहुत दूर जा चुके हैं, ये सोचकर पोएट काफ़ी अकेला महसूस करते हैं। तो ये थी पोएम की जो एक्चुअल मीनिंग मैंने शॉर्ट में आपको समझाई। अब हम बढ़ते हैं इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ। ऑफ्ट इन द स्टिली नाइट, ऑफ्ट मतलब ऑफन, और स्टिली नाइट का मतलब है काम एंड क्वाइट नाइट, मतलब कई बार शांत रातों में। एयर स्लंबर्स चेन हैज बाउंड मी, फॉन्ड मेमोरी ब्रिंग्स द लाइट। एयर का मतलब है बिफोर, स्लंबर का मतलब है स्लीप, एंड फॉन्ड मेमोरी का मतलब है समथिंग दैट यू रिमेम्बर विद प्लेजर। इसका मतलब है कई बार शांत रातों में कुछ अच्छी यादें उन्हें सोने से पहले आती है और उन्हें सोने नहीं देती। वो यादें किस चीज़ की थी तो वो पॉइंट अगले लाइंस में बताते हैं। Of other days around me, the smiles, the tears, of boyhood's years, the words of love then spoken. तो उनको यादें आती है उनके पुराने दिनों की, उन दिनों की खुशी की यादें उनको आती है, उन दिनों का हंसना, खुशी के आंसू आना, वो जवानी के सालों की प्यारी यादें, वो प्यारे शब्द जो उनसे उनके करीबियों ने कहे थे, तो इन सब चीजों की यादें आती है हमारे पोएट को। नेक्स्ट लाइंस है The eyes that shone, now dimmed and gone. पोएट को याद आती है उन दिनों की जब उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, खुशी की चमक, जिंदगी में कुछ अच्छा करने की चमक। डिम्ड का मतलब है नॉट ब्राइट, नाउ डिम्ड एंड गन इसका मतलब है पर अब उनकी आंखों की वो चमक जा चुकी है। द चीयरफुल हार्ट्स नाउ ब्रोकन, पहले उनका हार्ट काफी खुशियों से भरा हुआ था, एनर्जी से भरा हुआ था, काफी एंथुजियास्टिक, हर्षोल्लास से भरा हुआ था, पर आज उनका वो दिल टूट चुका है, अब कोई खुशी, एनर्जी कुछ भी नहीं है। Thus in the stilly night, air slumber's chain has bound me. और इसलिए शांत रातों में उन्हें गहरी नींद में सोने से पहले पुराने दिनों की याद आ रही है। Sad memory brings the light of other days around me. यानी पोएट को अपने पुराने दिनों को याद करके काफी सैड फील होता है। When I remember all the friends so linked together. जब पोएट याद करते हैं उन सभी दोस्तों को जो उनके बहुत करीब थे, एक दूसरे से बिल्कुल लिंक्ड या कनेक्टेड थे। I have seen around me fall like leaves in wintry weather. तो जो फ्रेंड्स पोएट के बिल्कुल क्लोज थे, पोएट ने उनको अपने आप से दूर होते हुए देखा है। जैसे सर्दियों में पेड़ों से पत्ते झड़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह पोएट के फ्रेंड्स उनसे दूर हो गए हैं, यानी मर गए हैं। I feel like one who treads alone,
some banquet hall deserted. Threats का मतलब है walk in a typical way. Banquet का मतलब है feast, यानी दावत. और deserted का मतलब है isolated, यानी अकेले. तो poet को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एक ऐसे hall में हैं जहाँ party चल रही थी. उस hall में सभी जा चुके हैं, hall बिल्कुल खाली है और वो वहाँ पर अकेले चल रहे हैं. Whose lights are fled, whose garlands dead, and all but he departed. तो जहाँ पर पार्टी चल रही थी उस हॉल में लाइट्स भी जा चुकी है और गार्लैंड का मतलब है फूलों की माला, वो भी डेड यानी मुरझा चुके हैं. सभी चले गए बट बस पॉइट ही अकेले बचे हैं. डिपार्टेड का मतलब है लेफ्ट. तो इन लाइंस में बैंक्वेट हॉल जो है वो मेटाफॉर है या फिर वो सिंबॉलिक है वर्ल्ड का, यानी इस जहाँ पर ये पॉइंट ने बैंक्वेट हॉल बताया है वो एक्चुअली में वर्ल्ड को बताना चाहते हैं. जो लाइट्स है वो सिंबॉलिक है पीपल से एंड गार्लैंड्स है वो सिंबॉलिक है हैप्पीनेस से, यानी उस बैंक्वेट हॉल या फिस्ट हॉल जिसका मतलब है पूरी दुनिया में पॉइंट अकेले हैं. जहाँ लाइट जा चुकी है इसका मतलब है लोग जा चुके हैं, मतलब लोग मर गए हैं. एंड गार्लैंड यानी हैप्पीनेस भी ख़त्म हो चुकी है, सब गए बस पॉइंट ही अकेले रह गए हैं. पोएम की लास्ट लाइन्स है Thus in the stilly night. Ere slumber's chain has bound me, sad memory brings the light of other days around me. तो यही कारण है कि शांत रातों में सोने से पहले पोएट को अपनी पुरानी दिनों की मेमोरीज याद आती है और वो अकेला फील करते हैं. फ्रेंड्स, यहाँ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो. अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. आपको भी ऐसा कोई नॉस्टैल्जिक मोमेंट हो या मेमोरी हो तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप भी हमारे सुंदर से परिवार का सदस्य बन सकें. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.